क्योंकि भक्त ये कथा फूलों की सेज होती है। इसलिए पार्वती बोली, बाबा तुम चिंता मत करो, होंकार तो हम भक्त रहे, तुम हमें अमर कथा सुना। भोले भगवान जंगल में आए, दोनों हाथों से डमरू को बजाया, जैसी डब 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 किया, अरे भक्तू, उस जंगल के सारे पशु पक्षी वहां से भाग गए। जंगल तो बिल्कुल खाली हो गया। बाबा ने उन पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को इसलिए भजाया कि पार्वती के अतिरिक्त इस अमर कथा को कोई और ना सुन ले। बाबा कथा सुना रहे हैं। अच्छा, जिस वृक्ष के नीचे बैठे कथा सुना रहे हैं, उसी वृक्ष की डाल पर खोखले में तोते के अंडे रखे हुए थे। अब अमर कथा की प्रभाव से अंडे से तोता निकल आया। अमर कथा के प्रभाव से अंडे से तोता निकल आया। अब वो तोता भी चोरी छुपे अमर कथा को सुनने लगा, और अमर कथा सुनते सुनते मैया को नींद आ गई, हुंकार भरनी बंद हो गई। अरे बैजनाथ भैया जहां कहीं भी हो, और कथा पांडाल में आ जाए भैया, आपको भक्त याद करे बैजनाथ जी। और जब मैया को नींद आ गई, हुंकार भरनी बंद होगी, तो भक्त क्या हुआ, पार्वती बोली भोले से कथा सुनाए देव मोए। पार्वती बोली भोले से कथा सुनाए देव मोए। भोले बाबा कथा सुनाबे, पार्वती गई सोए, उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रो तोता, उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रो तोता, उमा के। घर्राटी मार के सो गई पेड़ की टेक लेके, और तोता हुंकार भर रहा है, और बाबा अमर कथा सुना रहे, तोता हुंकार भर रहा है, और नारद जी की बानी गौरा के मन को भाई, नारद जी की बानी गौरा के मन को भाई, गुस्सा में
अंबर से दिल रोए ओ माँ के पड़ गए सोता वो करा दे रो तोता ओ माँ के पड़ गए सोता भोली भगवान कथा सुना रहे हैं।